पहली भारतीय फीचर फिल्म मानी जाती है राजा हरिश्चंद्र, और उस फिल्म को बनाने वाले दादा साहब फाल्के कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजा हरिश्चंद्र से पहले एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी। वो फिल्म थी पुंडलीक, जिसे बनाया था रामचंद्र गोपाल दादा साहब तोरणे ने। ये फिल्म 18 मई 1912 में रिलीज हुई थी। तो फिर उसे पहली भारतीय फीचर फिल्म क्यों नहीं माना जाता, और क्यों दादा साहब तोरणे को भारतीय सिनेमा में इतिहास रचने का श्रेय नहीं दिया जाता? इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। पुंडलीक को पहली भारतीय फीचर फिल्म ना माने जाने की पहली वजह यह है कि इसे बाकायदा कहानी लिखकर शूट नहीं किया गया था। ये रामाराव कीर्तिकर के प्रसिद्ध नाटक पुंडलीक की रिकॉर्डिंग भर थी, जिसे श्रीपाद थिएटर कंपनी ने तैयार किया था, और दादा साहब तोरणे ने स्टिल कैमरा से विदेशी टेक्नीशियंस की मदद से रिकॉर्ड किया था, और इसकी प्रोसेसिंग भी विदेश में हुई थी। इस आधार पर इसे संपूर्ण भारतीय फिल्म नहीं कह सकते, जबकि राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह भारत में भारतीयों के द्वारा बनी फीचर फिल्म थी। कुछ इतिहासकार पुंडलीक को पहली कथा फिल्म कहते हैं। ये फिल्म करीब 2 हफ्ते चली, और इसकी रिलीज के वक्त दादा साहब तोरणे ने इसे एक भारतीय की ओर से पहला प्रयास कहा था। दादा साहब तोरणे फिल्मों से जुड़ने से पहले एक टेक्नीशियन थे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम करते हुए ही वो श्रीपाद थिएटर कंपनी के संपर्क में आए। उसके नाटकों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। फिर जब सिनेमा की तरफ रुझान बढ़ा तो इसी क्षेत्र में किस्मत आजमाने की सोची। उनके एक दोस्त थे एन चित्रे, जो कोरोनेशन सिनेमा के मालिक थे। उनकी मदद से उन्होंने विदेश से एक फिल्म कैमरा मंगवाया और पुंडलीक का निर्माण किया। उस समय के मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर पी आर टिपनिस ने पुंडलीक को फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूट किया। दादा साहब तोरणे सिनेमा की कला में निपुण थे। उन्होंने सरस्वती सिनेटोन नाम से फिल्म कंपनी शुरू की और कई मशहूर फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें से एक श्याम सुंदर भी थी, जिसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म माना जाता है। वो विश्व सिनेमा के भी अच्छे जानकार थे और यूरोप अमेरिका के सिनेमा से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। दादा साहब फाल्के और दादा साहब तोरणे दोनों में ही कई समानताएं थी। दोनों में ही फिल्मों को लेकर एक जुनून, एक दीवानगी थी। दोनों ने ही सिनेमा में कई तरह के प्रयोग किए। दोनों ने ही महापुरुषों की कहानियों और पौराणिक कथाओं को सिनेमा के जरिए जन जन तक पहुंचाया और भारतीय सिनेमा की नींव को मजबूत बनाने का काम किया।